मैया अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हैं? माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूं, जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? चलिए शिविर में चलिए, आपके घाव का उपचार कर दिया जाए। बंधु, युद्ध भूमि से तो केवल प्राण गंवाकर ही दूसरों के कंधों पर उठकर जाया जाता है। छोटे मोटे घावों से घबराकर भागने वालों को युद्ध भूमि में नहीं आना चाहिए। सीता का त्याग राम करेगा? राम सीता का त्याग करेगा? नहीं, राम नहीं करेगा, सीता त्याग करेगी। परंतु क्यों? क्योंकि विवाह के पश्चात आप ही ने कहा था कि सीता तुम मेरी दासी नहीं, मेरी मित्र, मेरी साथी बनकर रहना। सो मित्र के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि मेरा रहना आपके जीवन को कलंकित कर रहा हो मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। झूठ के सामने घुटने टेक कर? नहीं, प्रजामत के सामने नतमस्तक होकर। मैया अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हैं? माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा हैं उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए, मुझे आपके चरणों की सौगंध है मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु फिर मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कारपूर्ण अस्तित्व, एक श्राप बनकर रह जाएगा।